और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम, दल भी माध्यम। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल में रहने में क्या औचित्य। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। मान्य जतिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब अकस्मात एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छे पद पर थे, दोन स्कूल से पढ़ाई की, श्रीराम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद एमबीए करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता, दो बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते, पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था, वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेन जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं, मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है, मैं याद करता हूं कि जब ये पहले
कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक नैरो एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए तब ये सांसद नहीं रहे लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बनोली जी आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे जीवन राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्रीय क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं, हम देखते आए हैं
हमने चुनौतियों का सामना भी किया, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता के आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा, ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं जो गांव गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण यह भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल में रहने में क्या औचित्य है? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देशित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक, मगर अब मैं समर्पित एक गोयल जी आप सब जानते हैं आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य सबका विकास और सबका साथ जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद।